بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صد بار تکرار میکنیم، باز یکی از اون طرف صداش بلند میشه راجع به مسئله شیعه و سنی و اختلافات و چکاپ ها و چرا این کار رو میکنن. چرا به سود دشمن کار میکنن؟ چرا به سود دشمن کار میکنن؟ نکنید، نکنند، نگذارید. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العلی العظیم. آج یہاں اس نورانی مجلس میں موجود جملہ تمام محمدی صاحبان کو اس غلام پنجتن کا عاجزانہ سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرته وشفاعته واستقامته. مجھ سے پیشتر ہندوستان کے مشہور قاضی قبلہ سید انس علی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور جس آیت مبارکہ پہ ہم کو یہاں جمع کیا گیا ہے اس کی تشریح بیان کی. اب یہ تو عالم لوگ ہیں، بہت قابل لوگ ہیں، میں تو عالم نہیں ہوں. یہی میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں، سخی حسنین کا منگتا فدائے مرتضیٰ ہوں میں. تو بہت اچھا موضوع ہے، وقت کی ضرورت ہے. تو آج ہم یہ طے کریں، اور جو میری بات سے اتفاق رکھتے ہیں، کیونکہ میں معاف کیجیے گا پریکٹیکل پیرزادہ ہوں. ہاں، نہ سبھی پیرزادے تو سبھی ہوتے ہیں، میں بھی ہوں، لیکن میں اس معاملے میں پریکٹیکل ہوں. جو کر سکتے وہ ابھی کرنا ہے. یہ بہانے بازی ہے، کل ہوتا ہی نہیں. ابھی جتنے لوگ یہاں اس مجمع میں بیٹھے ہیں، یہ آج طے کر لیں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہے. ہم ایمان لائے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود صرف اللہ، اللہ کے سوا کسی کو معبود مانیں گے ہی نہیں. گردن کاٹ دو ہماری. مولا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جو ہمارے مولا ہیں نا، وہ اللہ کے رسول ہیں. تو اب آپ شیعہ کیسے ہو گئے، سنی کیسے ہو گئے، حنفی کیسے ہو گئے،
सलफी कैसे हो गए, फला फला कैसे हो गए। अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाए हो तो मुहम्मदी हो। इकरार करो हम मुहम्मदी हैं। भैया आप इकरार करके कोई कमाल नहीं कर रहे। हाँ, जिनका नाम लेकर नारा लगाते हो ना हमारे अब्बा हुजूर का, हाक अली या अली, उन्होंने भी कहा मैं मोहम्मदी हूं। बिल्कुल, उन्होंने कहा क्या कि मैं सुन्नी हूं, मैं शिया हूं, हसनाशरी हूं। उत्तर प्रदेश का इस्लाम मत मानो बाबा। हाँ, तीन जिले हैं वहां पर, एक बरेली है, एक सहारनपुर, उसमें देवबंद है, और राजधानी है लखनऊ है। तीनों जगह का अलग अलग इस्लाम है। इस्लाम तो एक ही बाबा। अच्छा, यहाँ हिंदुस्तान से सब जगह से लोग आए, गुजरात वाले उत्तर प्रदेश का इस्लाम क्यों मानने भैया? गुजरात में रहते हो ना, मध्य प्रदेश वाले क्यों मान लो? प्रैक्टिकल बात कर रहा है ना, क्यों मानना है? ये तो दुनिया गुजर जाएगी, चाहे जैसे गुजर जाए, फिक्र करना आखिरत की। तो उसके लिए अर्ज किया है कि अजमत बयां किया करो तुम भी खैरुल अनाम की। ये खुदा ना खास्ता कोई नसीहत या दर्स नहीं दे रहा हूं उलमा को, मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं। अजमत बयां किया करो तुम भी खैरुल अनाम की, इज्जत बुलंद होगी इससे तुम्हारे कलाम की। है मुझको यकीन खुर्रम तेरी कब्र में आएंगे मुस्तफा, इसलिए तू भी बना ले आदत दरूद ओ सलाम की। अब प्रैक्टिकल बातें करें अपन थोड़ी सी। या पांच टेबल लगाइए और ये फाइव फिगर्स है ना, हम भाई बर्थ इसके कायल हैं। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये पांच का जो फिगर है ना, इसके भाई बर्थ कायल हैं। जिस माँ ने हमको जनाया ना, वो इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम की औलाद है, तो उन्होंने ही सबक पढ़ाया। वो जिसको आप मदरसा कह रहे हो ना, बड़े बड़े मदरसे मदरसा, वो माँ फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गोद मुकद्दसा से निकला हुआ लफ्ज है, माँ के दर जैसा। ठीक है ना, ये पांच टेबल लगाई है और बहुत अच्छी कोशिश की है हजारों वालों ने। मौला करीम पंज प्यारों के सदके तुफैल इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, इनकी हिम्मत अफजाई फरमाए, हौसला अफजाई। ये इकोनॉमी की बात कर रहा है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, फिर तबलीग। हालांकि सीक्वेंस ऑर्डर में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, जैसे इकरा पहले नाजिल हुई थी, सूरह फातिहा पहले रखते कुरान में। हाँ है ना, ये तबलीग को पहले रखे, बेस तो यही है ना। क्या था? हमारे बुजुर्गों ने गर्दन इसके लिए कटाई है, इकोनॉमी के लिए नहीं कटाई, तबलीग के लिए। सामने है वो किनारे ना, ना। पहला या यूं रखें, जहां भी रखें। फर्स्ट, मैं अमूमन जाता हूं बहुत सारे इजलास में, बुलाते हैं लोग, हालांकि मैं कोई मुकर्रर तो हूं नहीं, ना मौलवी हूं, ना काजी हूं, ना मुफ्ती हूं,
कुछ भी नहीं हूं, है ना। पर बुलाते हैं लोग तो वहां हिंदी में, भाभी इन्होंने कलाम पढ़ा हमारे मोंटी मियां साहब ने, तो हिंदी की बात करें, हिंदी में ता एक लफ्ज, एक शब्द, हर्फ है, अक्षर है ता। तो मैं अर्ज करता हूं सब भाइयों से कि पांच ता पे हमेशा अमल करना चाहिए हर मोमिन को। मुसलमान भी करे तो मोमिन बन जाएगा। पांच, पहला ता क्या है? तौहीद। ठीक है ना, जिसके लिए ताजदारे किश्वरे रिसाला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उनसे पहले सवालात लाए, तौहीद है ना। फिर बेसिक है, बुनियाद है मोमिन के लिए तहारत। अब वैसी तहारत तो हो नहीं सकती जिनके लिए कुरान में अल्लाह ने ऐलान फरमाया, वो नहीं हो सकती, पर नकल हो सकती है उसकी। वैसे तहारत तो नहीं, उनको तो अल्लाह ने पाक किया, हमको उनके बताए हुए तरीके से तहारत करना है। तो ही तहारत, फिर तालीम, एजुकेशन का भी गैस का, ठीक है ना। तो अब एक मुसलमानों को बात समझना चाहिए यार कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने इल्म हासिल करना फर्ज है, क्यों जी? नमाज पढ़ना क्या है? रोजा रखना, हज करना धनवान के लिए, धनवान के लिए ज़कात देना, कर देना। अब सुन्नत ना फिर भी नहीं समझ रहे यार, इल्म हासिल करना, आप कमाल कर रहे हैं। तालीम मस्त जरूरी। फिर क्यों गुलामी में लगे हुए हो यार, क्यों जॉब करने के चक्कर में भटक रहे हो? सरकार ने तरीका बता दिया जिंदगी गुजारने का, तिजारत करो। तिजारत, और आखिर में है पांचवा था तंजीम, मुनज़्ज़म होना जरूरी है, मुत्तहिद होना जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, उसकी शुरुआत हमें कहां से करना है? अभी फिलहाल तुरंत में, कल से, सुबह से, अभी से, इसी वक्त से। सबसे पहले तो नियत करना, बड़ा नियत से कुछ नहीं होता, और सुबह जाके सबसे पहले एक काम करना है। नजम भाई आपकी तवज्जो चाह रहे हैं, हर शहर में बहुत सारी मस्जिदें हैं, बहुत सारी खानकाहें हैं, बहुत सारे इमाम बारगाहें हैं, बहुत सारे मदरसे हैं, दारुल उलूम में सब है, बहुत सारे इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस जिनको कहते हैं अंग्रेजी में, है ना, दीनी इदारे, मजहबी इदारे, वो सब है अपनी जगह कर रहे हैं। सही कर रहा है गलत कर रहा है ये आपको तय करना, और अब आपको समझने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं आती नौजवानों को, क्योंकि इंटरनेट का गेट जब से खुला है ना बाबा, सब खुल गया। आ बुखारी में क्या लिखा है ये भी सब खुल गया, हर किताब में, ठीक है ना। तो एक आसान सजेशन है मेरा, हर शहर में इमाम बाड़े बहुत सारे होंगे, मदरसे बहुत सारे होंगे, दीनी दरसगाहें बहुत सारी होंगी, सब होंगी। दो चीजें एक एक ही होती हैं, वो दो नहीं होती।
हर शहर में ईदगाह एक ही होती है और करबला भी एक ही होती है। तो जहां जिस शहर से आप आए वहां अगर करबला वीरान है तो पहले उसको आबाद करिए। तुम चाहते हो अगर इलाके में अपना दबदबा रखना तो अपने इलाके का नाम करबला रखना, है ना। और हर आदमी यहां आलमदार है, वो आलमदारी का यूटिलाइज सही कीजिए आप। हिंदुस्तान के हर शहर में, हर मुस्लिम बस्ती में, हर चौराहे पर आपको अलम लगा हुआ मिलेगा। क्या था बच्चा ने इस्लामी माशाल्लाह ईद मिलादुन नबी चढ़ाते हैं हम, मुहर्रम शरीफ पे एक यकुम मुहर्रम को चढ़ाते हैं और हमारे पीर साहब का उर्स होता है तो चढ़ाते हैं। अगर वो फट गया है तो नया लगा दीजिए। वो शनाख्त है हमारी। ये गलतफहमी और दूर कर लो। जिसको तुम राजी का आलम कहते हो ना, छोटे आका का, क्या है वो, उसकी हकीकत जानते हो? पूछो ना इनसे, वहां से। वो सरकारी उम्मुल बरीन ने सीख के दिया था सिलाई मशीन पे, क्या उनको वो निशाने मुहम्मदी है, अलम रसूल है वो, उसका अदब वाजिब है। वो स्टेप बाय स्टेप आया है हजरत अब्बास अलमदार के पास। सबसे पहले अलमदार हैं सरकारे हमजा सैयदुश्शुहदा है बहुत, फिर उनके भतीजे मौला जी के बड़े भाई जाफर तैयार, फिर थर्ड नंबर पे मौला जी, फिर फोर्थ पे इमाम हसन पाक अलैहिस्सलाम, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। करबला में इमाम अली मुकाम ने वो अमानत रसूल अपने वफादार भाई को सौंपी। अब उस वफादार भाई ने ऐसी बेमिसाल वफादारी पेश की कि अल्लाह इतना खुश हो गया कि अब उस निशाने मोहम्मदी को दुनिया अब्बास के अलम से पहचानने लगी। क्यों जी, हकीकत तो यही ना। तो जहां जहां अलम रखे हुए हैं उनका तहफ्फुज़ करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, माहौल बदल जाएगा। करके देख लीजिए ना, अगर नहीं बदले तो कहना भैया आपका सजेशन बेकार था। चौराहे पर आपका परचम दिखना चाहिए, ठीक है। कुछ दो चार बातें और अर्ज कर दूं, वो बात खत्म करूं। हमारे जो असना अशरी अकायद के नौजवान हैं उनको एक चीज समझ लेना चाहिए, वो मेरी तारीफ शायद ये लोग भी करेंगे जितने काली बगड़ी वाले बैठे। सैयद सिर्फ सैयद होता है, न वो शिया होता न सुन्नी होता। जिसकी रगों में शीर फातमी है वो सैयद है। अपनी मर्जी से बनता सैयद नहीं बनता। परवरदिगार हम जैसे नालायकों में अगर किसी पर अपना खास करम फजल फरमाता है तो अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आग में पैदा कर देता, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। लेकिन सैयद सिर्फ सैयद होता, वो शिया सुन्नी नहीं होता। उसको मानने वाले होते हैं शिया सुन्नी, उसकी तालीम वाजिब है। परवेज नकवी दाढ़ी रखे नहीं रखे,
ये तो सही है दादा। हाँ बात समझ लीजिए, आप फैसला नहीं कर सकते किसी बात नहीं है ना। एक गुजारिश और करना हो हाथ जोड़ो के उलमा हजरात से, ये एक गैर मुस्लिम ने मुझे तवज्जो दिलाई, मैं झन्ना गया। बहुत देर तक सोचा मैंने, 12-14 दिन तक मुझे नींद भी नहीं आई। उसने कहा सैयद साहब एक बात बताओ यार, आपकी मजलिसों में हम जाते नारा लगता है सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ पढ़ते हैं दरुश शरीफ, पढ़ते हैं सलवात पढ़ते हैं। तो उनका अगर वो जाकिर जो मुकर्रर है ओरेटर है वो वाकया बनाए बयान कर रहा है हजरत अबू तालिब सरकार का, तो वो तो आले मोहम्मद में नहीं है यार, वो तो आजाद मोहम्मद में है। तो आपने उन पर तो जरूर दे ही, अगर मुकर्रर ने बयान किया हजरत अब्दुल मुत्तलिब का तो आपने उन पर कहा जरूर भेजा। इस मामले में सुन्नी लोग सही करते हैं, वो पूरा पढ़ते हैं अला इब्राहिम वाला अल इब्राहिम। ये पढ़ने में क्या है, ये पढ़ लो। दरूद किस पे भेजना है? सरकार के अजदाद पे भी और सरकार की आल औलाद पे भी। उनकी तोहीन नहीं कर सकते नामों के बिल्ला, ईमान खतरे में पड़ जाएगा। मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी बात, इसलिए आपसे भी शेयर कर रहा हूं। जो अच्छाई हो वो शेयर करना चाहिए और कहना चाहिए, क्योंकि कौल है मौला का नजुल बलागा शरीफ में भी पढ़ लेना। हाँ ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। तो अगर मेरे जैसा कोई नालायक इडियट भी कोई अच्छी बात कर रहा है तो अमल कर लिया कीजिए। बाकी बातें बहुत सारी हैं, वक्त कम है, आपने हमें बुलाया, अपनी बात कहने का मौका दिया, इस नूरानी बज़्म में शिरकत करके फैज़ हासिल करने सवाब हासिल करने का मौका दिया। और यहाँ से जो पैगाम हक जा रहा है आने वाली नस्लें उसको ज़रूर याद रखेंगी, कल हो ना हो ज़माना दोहराएगा कि मिस्कीन फला मस्जिद से मौजूद थे जब ये बातें हुई थी, वो तय हुआ था कि हमको इत्तेहाद करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आपको अगर कोई अकायदी इख्तिलाफ में रखिए, कोशिश करिए सुलझाने की, नहीं सुलझ जाए कोई बात नहीं। जिस तरह गैरों की यहाँ जाके रोटी व्यवहार करते हैं बेटी व्यवहार नहीं करते आप, नहीं आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम रहता उसको बेटी देते हो क्या? नहीं देते, मत दो, क्योंकि फतवों पे ज्यादा है ध्यान आपका, तकवों पे तो है ही नहीं। तो सरकार ने अपने आखिरी खुतबे में फरमा दिया, बड़ा वो है जो तकवे वाला है। आप फतवे वाले को बड़ा समझ जाओ, ठीक है समझो भैया। तो जब उनके साथ इश्तराक कर सकते हैं, उनके साथ में बैठ कर रोटी खा सकते हैं, तो सुन्नी के साथ खाने में क्या दिक्कत है? एक वो काम की बात, हजरत हनीस एक बुजुर्ग हुए बहुत अच्छी, उन्होंने शायरी की है पहले बेहद किसान में, उन्होंने शेर कहा उसके माने समझ लो जो मेरी समझ में आए। वो कह रहे हैं दोनों इमाम खल्क के हाजत रवा हुए, है ना, सुनते होगा आप मजलिसों में, नजम भाई आप भी सुनते होंगे, दोनों इमाम मुश्किल कुशा के बेटे भी मुश्किल कुशा हुए, है ना, कहते हैं वो लिखा है ना। तो मुश्किल कुशा के बेटे मुश्किल कुशा तो हो सकते हैं ना, हाजत रवा भी हो सकते हैं,
अली तो वली है। अली कौन है? वली है ना। ईमान है इस पे? उनके बेटों को वली क्यों नहीं मान रहे? उनके पोते को वली क्यों नहीं मानते? उनके पर पोते को वली मानने में क्या दिक्कत है? मुइनुद्दीन चिश्ती शहजादा है मौला अली का, क्यों नहीं मानते उसको वली? और भी बहुत सारे वली अल्लाह जिनकी दरगाहें हैं, सब जगह आलमदारी ताजीदारी होती है, क्यों नहीं जाते? फातिहा पढ़ने चले जाया करो, मत मांगो मन्नत, सलाम करने चले जाओ, क्या दिक्कत है? दफ्तरों में जाते हो अपने काम कराने के लिए, रास्ते में कोई दरगाह पड़ती है, 2 मिनट रुक के सलाम कर लो, फातिहा पेश करो, क्या दिक्कत है? किसी के बेटे के पास जाके उसके बाप की तशान पहन करोगे, वो खुश होंगे नाराज होंगे? ये कुछ काम की बातें हैं जो हमें जरूरत है, जिन पर अमल करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, फिर कभी आएंगे, बात करेंगे, जिंदा रहेंगे, मुलाकात होगी, जद्दोजहद। आपको भी कोशिश जारी रखना है, मुझे भी जारी रखना है। वमा अलैना इल्लल बला।